हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपनी ब्लॉगर की साइट को गूगल डोमेन के साथ यहां पे कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरा ब्लॉगर का अकाउंट है जिसमें मेरे पास ये वाली एक साइट बनी पड़ी है, ITS by विकास। ठीक है, ये मेरे पास एक साइट है जिसमें यहाँ पर मैंने कुछ कॉन्टेंट लिख रखा है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं व्यू ब्लॉग करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे, अभी मेरा ये रीडायरेक्ट हो रहा है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए मेरा रीडायरेक्ट हो गया, ये है ITS by विकास, ये एक छोटा सा ब्लॉग है ना। अब इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो वेबसाइट का जो URL है उसमें यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट लगा हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉग स्पॉट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया प्रीमियम डोमेन लेते हैं जो कि मैंने लिया है गूगल्स डोमेन से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने गूगल डोमेन पे एक प्रीमियम डोमेन ले लिया ITS by विकास.com, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी ये सर्विस के साथ अभी नहीं जुड़ा है, जिसको मैंने आज लिया है 12 नवंबर 2022 को, और नया इसका रिन्यूअल कब होगा, 12 नवंबर 2023 को। ठीक है, तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे इसके साथ। ठीक है, सिंपल सा तरीका रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, गूगल डोमेन में जाएंगे, अपने जो डोमेन आपने लिया है उसको सिंपल आपने क्लिक कर दिया। अब आपको कहाँ जाना है, आपको कहीं नहीं, आपको यहाँ पे देखिए आपका जो लेफ्ट साइड पे जो पैनल है वहाँ पे आपको वेबसाइट में जाना है। ठीक है, उसको मैंने क्लिक कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन शो होंगे, बिल्ड वेबसाइट और फॉरवर्ड डोमेन। आपको क्या करना है, आपको बिल्ड वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखा रहा है आपको कि आपने जो ये डोमेन लिया है वो किसके साथ कनेक्ट करना है। विक्स में वेबसाइट बनाई है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, शॉपिफाई में बनाई है तो यहाँ पे, वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ से करेंगे। ठीक है, बट हमको कहाँ से करना है, हमको सिंपल करना है ब्लॉगर के साथ कनेक्ट, तो यहाँ पे देखो ये वाला हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं इसको सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टार्ट विद ब्लॉगर और एग्जिस्टिंग अकाउंट। ठीक है, तो मैंने पहले ही इस पर अपना अकाउंट बना लिया और मैंने वेबसाइट भी यहाँ पे ये देखिए बना ली है। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, साइन इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ये एक छोटा सा पॉपअप हो गया मेरे पास पेज। ठीक है, अब इसमें क्या बताया, इसमें मेरा जो डोमेन है वो यहाँ पे शो हो रहा है और मेरा जो साइट है वो यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ पे इसने क्या लिखा है कि अल्सो रिडायरेक्ट ITS by .com टू ये। ठीक है, ITS by विकास जो कि मेरी साइट का नाम है। ठीक है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। और अब इसने क्या लिखा है, अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो मेरी वेबसाइट है वो कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन भी हो सकती है, क्योंकि जो चेंजेस होंगे, जो सेटिंग होगी वो अप्लाई हो रही होगी तब तक। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट ब्लॉग कर लेता हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ पे अब चेंजेस मेरी हो रही है, जैसे कि पहला जो मेरा जो डोमेन था उसका एड्रेस था ITS by विकास.blogspot.com। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे वो वाला पेज है वो हट गया है। अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं अब जो blogspot.com है वो यहाँ पे अब चला गया है, ITS by विकास अकेला यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी साइट ये क्या हो रहा है, नॉट रीच्ड है, जैसे कि इसने बताया था कि कुछ सेटिंग को अप्लाई करने के लिए ये कुछ टाइम यहाँ पे लेगा। ठीक है, तो कुछ टाइम आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो ये कुछ टाइम लेगा आपका, तो तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, इस जो वीडियो है इसको मैं कर लेता हूँ पाउज। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे देख सकते हैं, अब वापस आ गया हूँ। लगभग मुझे मेरा इस डोमेन को सेटअप होने के लिए लगभग 50 मिनट के आसपास मुझे यहाँ पे लगे। अब आप देख सकते हैं ये मेरा क्या था, डोमेन नेम था, और जो सर्विस थी वो देखिए पहले यहाँ पे नन आ रही थी, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लॉगर वेबसाइट, मतलब कि जो ये वाली जो साइट थी वो ब्लॉगर के साथ मेरी कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हम चलते हैं ब्लॉगर में। अब ब्लॉगर में अब मैं यहाँ पे सेटिंग में जाऊँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जो यहाँ पे ब्लॉग एड्रेस था वो मेरा ये वाला था, पुराना वाला ITS by विकास.blogspot.com। ठीक है, जो मेरा कस्टम डोमेन था जो मैंने लिया था वो था ITS by विकास.com। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रीडायरेक्ट भी ये हो चुका है, और जो HTTPS अवेलेबिलिटी थी वो यहाँ पे आ चुकी है, और HTTPS रीडायरेक्ट भी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो मैं अब सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा व्यू ब्लॉग में, इसको मैं कर देता हूँ क्लिक। जैसे मैं इसको करूँगा यहाँ पे क्लिक, तो आप देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पे
blogspot.com था वो यहाँ पे अब नहीं आ रहा है, जो मेरा प्रीमियम जो डोमेन था itsbyvikas.com जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वो मेरा यहाँ पे अब रिडायरेक्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सर्विस, यहाँ पे पहले आपकी नन आ रही थी, अब यहाँ पे ब्लॉगर वेबसाइट यहाँ पे आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉगर के साथ हमारे गूगल डोमेन नेम को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी होता है। बाकी जो सर्विस रहती है जैसे कि गो डैडी रहती है, रिसेलर क्लब रहता है आपका, जितनी भी है नेम चीफ, जितने भी हमारे पास और जिससे हम डोमेन नेम खरीद सकते हैं, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से आपको अपना जो ये DNS होता है, इस DNS की यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बट हमको यहाँ पे क्योंकि हमारा जो ब्लॉगर है वो भी गूगल का है, और जो हमने जो डोमेन नेम लिया है वो भी हमने कहाँ से लिया है, गूगल से लिया है, तो हमको कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट हमको कनेक्ट करना था और इन्होंने अपने आप पीछे से सेटिंग करके हमें दे दी और हमारा जो वेबसाइट थी या ब्लॉग साइट थी वो हमारी सिंपली चल पड़ी है। देखिए ये SSL भी इन्होंने हमारे को फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।